नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड अजमेर, सरद के उत्पाद शुद्ध उत्पाद, मिलावटखोरों से सावधान। पूजा एवं दैनिक जीवन में सरस शुद्ध ताजा दूध एवं दूध के उत्पाद घी इत्यादि का उपयोग करें। अजमेर डेयरी की सरस आइसक्रीम, सरस फ्लेवर्ड मिल्क, सरस दीर्घ अवधि उत्पादों में बटर, सरस फार्म्यूलेटेड एवं खोया उत्पाद, पनीर, फीका मावा, बर्फी, पेड़ा और सरस देशी घी। सरस यानी शुद्धता का दावा। अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड अजमेर। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ध्वजारोहण और सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम से पुष्कर मेले का आगाज किया। हिंदू धर्म के धार्मिक महत्व के विशेष तीर्थ गुरु पुष्कर का वार्षिक मेला रंगारंग प्रस्तुति के साथ शुरू हो गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और पुष्कर से विधायक सुरेश सिंह रावत ने ध्वजारोहण कर मेले की विधिवत शुरुआत की। विश्व प्रसिद्ध पशु मेला भी इसी के साथ शुरू हो गया। इस दौरान कई प्रतियोगिताएँ भी हुई और शुरुआत पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति के मिलन वाले इस मेले का केंद्र बिंदु है। आज से शुरू हुए मेला 15 नवंबर पूर्णिमा तक जारी रहेगा और मेले में प्रतिदिन अनेक तरह की सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएगी। पुष्कर मेले का आज विधिवत शुभारंभ हुआ है। काफी संख्या में पशुपालक भी आ चुके हैं। पहले से ज्यादा संख्या में पशुपालक इस बार आ रहे हैं। उससे अधिक संख्या में श्रद्धालु और विदेश भी आने की संभावना है, उसको लेकर पर्याप्त की गई है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे कैमल शो भी ऐड किया है। उसी प्रकार हर कार्यक्रम में कुछ ना कुछ इस बार राज्य सरकार के डायरेक्शन से इसको मेले को आध्यात्मिक रूप दिया जाए और अधिक भव्य बनाया जाए, उसी के अनुरूप हमने इवेंट्स इसमें ऐड किए हैं। छात्राओं के द्वारा जो निर्देश किया जा रहा है उनमें राजकीय विद्यालय पुष्कर की प्रिंसिपल मैम शालू मैम, फरीदा बेगम, रेखा राजावत, प्रेमी मैम, शोभा मेले का आगाज हुआ है। किस तरीके के कार्यक्रम होंगे? सत्यराज पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले का आज आगाज हुआ। मैं इस मेले की देश और प्रदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लोग साल भर इस मेले का इंतजार करते हैं और इस मेले के अंदर पशुओं के साथ साथ धार्मिक मेला भी पूरी भव्यता से भरता है। पशुओं को भी हमारी अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएँ यहाँ आयोजित होती है और देश और विदेश से सैलानी भी लोग आयोजन होता है और हमारे लगातार तारीख से 15
मनोरंजन के लिए रंगारंग कार्यक्रम होगा और हमारा यहाँ करीब 6 से 7 दिन तक प्रतिदिन अच्छा अच्छा कार्यक्रम। नमस्कार, पुष्कर मेला ये कोरोना के बाद पर्यटन वापस से चालू हो गया था 2022-2023 में, बट पुष्कर मेला जैसे इवेंट्स के वजह से लोग पर्यटन पूरे विश्व भर से यहाँ पे आ रहे हैं और उसके वजह से हम लोगों को चांस मिल रहा है कि पूरा इसको टूरिज्म सपोर्ट करें यहाँ पे। ये सब मैं 13 लोगों के ग्रुप को लेके आया हूँ ओवरसीज़ एडवेंचर ट्रैवल कंपनी के साथ और सब हम लोगों ने ये आइटनरी बनाई थी और हम लोगों ने ये पुष्कर को जोड़ा है बस इस मेले के लिए। वैसे ये हम लोग जयपुर देख के और अदर रीजन्स में जाते हुए ट्रैवल करते हैं बट पुष्कर मेले के लिए ये एक स्पेशल डिपार्चर बनाया जिससे कि यहाँ पर आए और यहाँ के अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। तो आपका नाम? मेरा नाम मनु राव और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। This is my second time to push car and never fails to. This is my second time to push car festival and it never fails to disappoint or entertain. It's terrific. जी पुष्कर फेयर एक अंतर्राष्ट्रीय फेयर है। मैं लोकल गाइड पुष्कर से अरुण हूँ। यहाँ पे मैं टूरिस्टों को घुमाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि टूरिस्ट पुष्कर के अंदर आते हैं और कैमल फेयर विजिट करते हैं और यहाँ पे पार्टिसिपेट भी करते हैं और पूरे राजस्थान की छवि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही अच्छी लगती है। अगर पुष्कर फेयर इसी प्रकार बढ़ता रहेगा तो हमारे पूरे राजस्थान का नाम और कैमल की पहचान होती रहेगी। मेरा नाम अरुण राजौरिया पुष्कर से।